So, welcome back to my channel. If you're new to my channel, I'm Akanksha. So, आज के वीडियो हिंदी में होगा. लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था ईद के वक्त, वो भी हिंदी में था. फिर मैं सोची और बनाऊंगी हिंदी में, पर पता नहीं नहीं बनाई फिर. बट अभी फिर से एक और ईद का वीडियो एंड ये भी हिंदी में होगा. आई नो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं हिंदी में वीडियोज बनाने के लिए. आई कैन ट्राई बट इट्स नॉट लाइक अ मोस्ट कम्फर्टेबल लैंग्वेज फॉर मी. एंड थोड़ा जज मत करना मुझे हिंदी के लिए, ठीक है? एक बेकअप देख लो, मेरा लैंग्वेज मत देखो. तो अभी आज के वीडियो में मैं ईद का लाइक मेकअप, इट्स नॉट नेसेसरी ईद का मेकअप है. यू कैन डू दिस मेकअप एनी टाइम, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इवेंट हो. लाइक इंडियन वेस्टर्न डज नॉट मैटर, एक्सेसरीज से ज़्यादा मैटर करता है मेकअप से ज़्यादा. सो ये वाला लुक मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेगा करने के लिए, और बट बहुत ग्लैम भी होगा. सो जैसे मैंने अभी बोला, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था ईद के लिए, तभी उसमें मैंने बहुत फुल ग्लैम किया था. सो आई जस्ट वांटेड टू हैव लाइक अलग वैरायटी का वीडियो बनाना था. लाइक जिनको बहुत फुल ग्लैम पसंद है, जिनके पास बहुत टाइम है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो. पर ये वाला जिनको बहुत सॉफ्ट ग्लैम पसंद है, या फिर लाइक जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, वो लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं. अगर आप ईद के पहले भी देख रहे हो तो ईद मुबारक, बिकॉज ईद के दिन डालूंगी ईद के पहले वाले दिन डालूंगी ऑब्वियसली, बिकॉज ईद के पहले ही देखना पड़ता है ना. सो एनीवेज, ईद मुबारक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट थिंग इज स्किन प्रेप. स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पता है हर वीडियो में यही बोलती हूँ, बट स्किन प्रेप इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोलती हूँ. लाइक अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर या कुछ भी एक ड्राई या डिहाइड्रेटेड स्किन पे लगाओगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, दिखने में भी अच्छा नहीं होगा. तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि स्किन प्रेप इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो फिर मैं तो नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर ले रही हूँ. आप कोई भी ले लो, आप जो भी यूज करते हो, ऑफकोर्स सनस्क्रीन भी लगाना होगा, बट मैं तो लिटरली अंधेरे में बैठ के शूट कर रही हूँ तो फिर मैं तो नहीं लगा रही अभी. सो फर्स्ट थिंग इज कंसीलर. तो इस लुक में हम लोग बेस बहुत ज़्यादा लाइट वेट रखेंगे. तो पहले मैं कंसीलर लेके जो भी यू नो डार्क सर्कल्स है या फिर ब्लेमिशेस है वो हाइड कर लूँगी. फिर जो भी अगर फाउंडेशन या जो भी बाद में टिंट लगाएंगे वो बस लाइक एक लाइट लेयर ऑफ कवरेज देगा. सो बहुत स्किन लाइक फिनिश मिलेगा. लाइक आपको अगर एक्ने स्कार्स वगैरह नहीं है तो आपको कंसीलर नहीं लगाना पड़ेगा, बट मुझे है तो मुझे लगाना पड़ता है. तो मैं ये इलाना ऑर्गेनिक्स का कंसीलर पॉट ले रही, ये शेड टैन है, ये मेरे स्किन को बहुत परफेक्टली मैच करता है. इसको लेके कंसील करूंगी. यू कैन सी वो शेड बहुत मुझे एग्जैक्टली मैच करता है. आई फॉरगॉट टू अप्लाई प्राइमर. आप मत बोलना, मैं भूलूंगी बट आप मत बोलो. कंसीलर लगा दो. लाइक मैं पहले अंडर आईज, लाइक अराउंड द आईज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ कॉर्नर. दिस इज व्हाट मेक्स यू लुक वेरी टायर्ड. सो प्रॉपरली कंसील दैट अराउंड द नोज, बिकॉज इधर थोड़ा डार्कनेस है. सो करेक्टिंग दैट, मैं लाइक लाइटली जिधर भी एक्ने स्पॉट थोड़ा प्रोमिनेंट है उधर ये लाइटली डैब कर रही हूँ, ताकि लाइक वो पीक ना हो फाउंडेशन से, बिकॉज फाउंडेशन जो है हम लोग बहुत लाइट लेयर लगाएंगे और बहुत शेयर कवरेज वाला लगाएंगे. सो मैंने प्रॉपर जिधर भी डिसकलरेशन है उधर उधर ये कंसीलर लगा दिया है. यूज अ कंसीलर जो आपका स्किन टोन प्रॉपरली मैच करे. नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन. बट अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा लाइक यू डोंट हैव डिसकलरेशन या फिर एक्ने स्कार्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी कंसीलर का स्टेप है उससे आपका मेजॉरिटी ऑफ लाइक द डिसकलरेशन अगर कवर हो गया तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है. लाइक आपको अगर ऑलरेडी आपका फेस इवन टोन लग गया है तो. बट मैं एक रियली लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाऊंगी जस्ट टू मेक एवरीथिंग लुक अ लिटिल इवन. के ब्यूटी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ले रही हूँ. ये बहुत शॉर्ट मीडियम फाउंडेशन है तो बहुत स्किन लाइक फिनिश देता है. मैं लाइटली इधर चीक्स पे डैप करके. सो अभी एक बहुत अच्छा इवन लेयर और इवन स्किन टोन हो गया है. तो दिस इज़ लाइक रियली नाइस. बहुत बेसिक, बहुत सिंपल. आपको अगर फाउंडेशन नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स स्किप कर दो. नेक्स्ट स्टेप इज़ मैं थोड़ा सा कंसीलर सिर्फ अंडर आइज पे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम,
ताकि थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट आए अंडर आइज पे. आप देख सकते हो जो मैं कंसीलर पहले लगाई वो बहुत येलो था, तो पर उसकी वजह से मेरा लाइक जो भी डार्कनेस था वो बहुत इजीली हाइड हो गया था, जो मैं एग्जैक्ट मेरा कलर था. पर इस ये वाला थोड़ा लाइट है तो इससे मेरे को थोड़ा अंडर आई ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, ताकि यू नो वो मेरा अंडर आई पॉप होगा. वो बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने लिया है बिकॉज मुझे बहुत लाइक नेचुरल स्किन लाइक इफेक्ट रखना है. आप ओवरबोर्ड मत जाए, अब हमेशा कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो. अगर आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब आपको लगे कि आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप ज़्यादा लगा सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज मैं डॉटर अर्थ लिप एंड चीक टिंट ले रही हूँ. सो आप ये चीक्स पे यूज कर सकते हो, लिप्स पे यूज करते हो कर सकते हो, आईज पे भी यूज कर सकते हो. अगर आपके पास ये ऐसा चीक टिंट नहीं है तो आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो. तो मैं बेसिकली ये क्रीम ब्लश जैसे यूज करने वाली हूँ. तो फिर ये बहुत ब्राइट ऑरेंज है, तो बहुत कम लेना, वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड वाला ब्लश है. इवन अगर लिपस्टिक भी ले रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी लो, आपको जोकर जैसे नहीं दिखना. ओके मैंने बहुत कम लिया है, आप देख सकते हो बहुत सटल सा टिंट, वो वार्म पीची टोन टिंट है. साइड वो बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इफ़ आई कीप ब्लेंडिंग और इफ़ आई गो बैक मेरे फाउंडेशन ब्रश से, वो टोन डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली. लेकिन वो बहुत हल्का सा एक टिंट है, जस्ट टू ऐड दैट फ्लश ऑफ कलर फेस के लिए. बहुत ब्लैंक नहीं लगना चाहिए फेस, थोड़ा यू नो कलर है वगैरह, इट काइंड ऑफ पुल्स एवरीथिंग टुगेदर और बहुत यू नो पुट टुगेदर दिखेगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज द पाउडर. मैं लॉरा मर्सिए ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ. लूज पाउडर यूजली इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि लूज पाउडर कंसीलर को बहुत अच्छे तरह से सेट करके क्रीसिंग प्रिवेंट कर सकता है. आपको अगर क्रीसिंग कैसे प्रिवेंट करना है देखना है तो यू कैन गो टू दैट वीडियो. मैं एक लाइट लेयर ऑफ पाउडर अंदर आई के नीचे लगा रही हूँ ताकि वो क्रीज ना हो. सो फिर मैं एक बहुत फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, ये रूफा ब्यूटी RB26 है, और उससे मैं लाइटली पूरे फेस पे डैप कर रही हूँ, बहुत लाइटली. आप देख भी नहीं सकते हो पाउडर, उतना लाइटली डैप कर रही हूँ. दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट एनी ट्रांसफर. किसी को हग कर रहे हो या किसी लाइक सोफा पे बैठे हो, सर पे ऐसा रख दिया, अगर फाउंडेशन सेट नहीं करेंगे तो ट्रांसफर होगा और लाइक उधर लगेगा. सो बेसिकली जस्ट अ वेरी लाइट लेयर, ताकि लाइक व्हेन यू टच योर स्किन उधर आपको बहुत स्टिकी स्टिकी ना लगे. हम लोग ये वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोरिंग पैलेट लेके ये ब्रॉन्जर शेड लाइटली एक और फ्लफियर ब्रश बहुत ही ज़्यादा कम लगा रही हूँ, जस्ट टू ऐड डायमेंशन. हम लोग ने टिंट ऑलरेडी लगा दिया, तो आपको अगर ब्रॉन्जर ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है तो आप एक्चुअली अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये वाला जो टिंट है वो ऑलरेडी फेस को थोड़ा डायमेंशन दे रहा है. अगर आपने प्रॉपरली ऐसे चीक बोन्स पे अप्लाई किया तो उसने ऑलरेडी आपका फेस थोड़ा कॉन्टोरिंग कर लिया. पर मैं जस्ट लाइटली थोड़ा लगा रही हूँ, एंड बहुत लोग एक्चुअली ब्रॉन्जर से डरते हैं कि हम लोग को लाइक अच्छे से लगाना नहीं आता, तो आप ऐसा है तो आप यू नो स्किप कर सकते हो. तभी टिंट मत स्किप करो, बिकॉज वो टिंट या bronzer एक तो एटलीस्ट शुड बी देयर ऑन योर फेस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस NYX मेकअप माइक्रो ब्राउ आईब्राउ पेंसिल. सो मैं जेंटली लाइक आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा थिक ब्राउज है, सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती. वो जो फ्रंट वाला है वो अनइक्वल है मेरा थोड़ा, तो फिर मैं बस उसको फिल करके इक्वल कर देती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करती बिकॉज वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर. नेक्स्ट मैं फिर से क्लिनिक का कंसीलर लेके अपने लिड पे लगा रही हूँ. सो हम लोग ने बेस बहुत ज़्यादा लाइक यू नो स्किन लाइक लाइट वेट रखा है, विच इज़ वेरी नाइस. बट अभी आईज थोड़ा मैं ग्लैम करने वाली हूँ. नेक्स्ट वो फिर से वो वेट एंड वाइल्ड वाला जो ब्रॉन्जर है, पूफ सो डस्टी, वो एक फ्लफी आई शेडो ब्रश पे लेके बस क्रीज पे अप्लाई करूँगी, ताकि क्रीज को थोड़ा डेफिनेशन मिले. ये आईब्रो के 1/4 के बाद लगा के आई स्वूप इट इन दिस डायरेक्शन. मैं थोड़ा ये लिफ्ट करती हूँ इधर ये पार्ट पे. सो लॉट ऑफ पीपल लाइक ब्लेंडेड डाउन, यू कैन डू दैट. वो मतलब अलग, हर एक लुक के लिए अलग होता है. आपको अगर सिंपल वाला चाहिए, वेरी इजी गोइंग, एंड जस्ट वॉन्ट टू लाइक नॉट ऐड बहुत ज़्यादा शेडोज वगैरह, तो आप सिंपली ऐसा ले लो और जस्ट स्ट्रोक इट. ऑफकोर्स आई पे भी डिपेंड करता है, आप अपना आई शेप देख के कर लो. तो अभी तक बहुत प्लेन लग रहा था जब मैंने कंसीलर लगाया, बट सिर्फ ये ब्रॉन्जर से आप देख सकते हो थोड़ा
नाइस, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, हिंदी में पता नहीं मेरे को वर्ड ही नहीं मिल रहा टू लाइक यू नो से इट्स नाइस एंड ब्रॉन्ज्ड अप, लाइक इज देयर अ वर्ड हिंदी में ब्रॉन्ज के लिए, आई डोंट नो. सो नेक्स्ट स्टेप इज काजल, आई एम टेकिंग द लैक्मे आइकॉनिक आई पेंसिल, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रफली अप्लाई दिस ऑन माई टॉप एंड बॉटम लैश. तो ये वाला लुक थोड़ा पिछले वाला लुक से सिमिलर होगा, बट इसमें लाइक आपको इतना प्रिसिजन नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए. मैं अलग ही इंसान लगती हूँ काजल लगा के, माई गॉड. सो नेक्स्ट मैं मेबेलिन सिटी मिनी आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ये ब्रुकलिन ऑरेंज है इसका नाम. सो मैं ये डार्क ब्राउन एक छोटू सा ब्रश पे ले रही हूँ. इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये एक टाइनी ब्रश से ही करना है, क्योंकि अगर बहुत फ्लफियर ब्रश लोगे तो बहुत मैसी हो जाएगा एंड कलर वुड बी इन प्लेसेस यू डोंट वांट इट टू बी. तो फिर मैं बहुत धीरे से वो ब्लैक को ब्लेंड करूँगी. सिंपली इतना अच्छा स्मोक्ड आउट लुक आ गया बस एक कलर से, एक काजल और एक ब्राउन. तो हम लोग ने टॉप लैश के लिए डार्क ब्राउन लिया है, बट लोअर लैश के लिए हम लोग ये रस्टी ऑरेंज कलर लेंगे. बट मैंने मतलब ऑरेंज कलर लिया है तो मैं ऑरेंज ले रही हूँ. आप जो भी आउटफिट पहनोगे, अगर लाइक आप थोड़ा लाइक कूल टोन या आप लाइक ब्लू या पर्पल येलो वगैरह पहन रहे हो तो आप लाइक यू नो पिंक ले सकते हो, लाइक वेरी लाइट पिंक. बट इफ यू आर वेयरिंग वार्म लाइक दिस दैट यू कैन यू नो एक वार्म शेड ले सकते हो. तो सो सिंपल, अब भी ऑलरेडी माई फेस लुक्स पुट टुगेदर एंड नाइस. ऑफकोर्स इन अ कॉर्नर हाईलाइट बाकी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिर आई एम गोइंग इन विद दिस मोर लाइक यू नो रियली नाइस गोल्डन शेड. टेक दैट ऑन अ टाइनियर ब्रश एंड आई एम गोइंग टू गो हेड एंड एड दैट इन द इनर कॉर्नर. यू कैन टेक अ लाइटर शेड, डार्कर शेड, विच एवर shade you like. I just like that gold. I feel like it'll add just that required glam to the face. आपके पास जो भी हाईलाइटर है वो आप ले सकते हो, लेके इन अ कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हो. नॉट नेसेसरली आई शेडो पैलेट में शिमर होना चाहिए. अभी लास्ट स्टेप इज लाइक लास्ट फ्यू स्टेप्स आर लेफ्ट. नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग स्प्रे. मेकअप पूरा दिन रहना चाहिए और केकी और हैवी नहीं लगना चाहिए, तो सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं मैक प्रेप प्लस प्राइम लगा रही हूँ. बहुत अच्छे से पूरा फेस पे स्प्रिट्स कर लो. नेक्स्ट स्टेप फॉर हाईलाइटर, दिस इज बेका कॉस्मेटिक्स शैम्पेन पॉप. बहुत कम लेना, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है बिकॉज यू डोंट वॉन्ट लाइक आपको दिखना नहीं चाहिए हाईलाइटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है. थोड़ा सा हाईलाइटर नोज पे भी. तो मस्कारा लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा. पहले आप लैशेस को कर्ल कर लो, बहुत हेल्प करता है मस्कारा को कर्ल करके लैशेस को होल्ड करने में. वन मोर थिंग, सबसे ज़्यादा लाइक ईजिएस्ट स्टेप टू जस्ट एम्प अप योर स्किन इज लेंस. अगर आपके पास लेंस है तो लगा लो, लाइक दैट्स लाइक द क्विकेस्ट थिंग. मतलब वो अलग बात है कि वो लगाने में भी बहुत टाइम लगता है, पर वो बहुत ईजी है. लाइक लेंस जस्ट एम्प्लीफाई योर लुक 10 times मोर. नेक्स्ट मैं लेंथ फॉर ब्यूटी लिप लाइनर इन द शेड डस्की ब्राउन. नेक्स्ट मैं मेबेलिन सुपरस्टे मैट इंक इन द शेड 260 लगा रही हूँ. ये मैं बस सेंटर में लगा के ब्लेंड करूँगी. ऑलमोस्ट हो गया है. लास्ट स्टेप इज लिल बिट ऑफ एल्फ प्लम्पिंग ग्लॉस, वो सिर्फ मैं सेंटर में लगाऊंगी. ओके, आई ट्राई टू पुट ऑन द लेंस. कैन यू सी द डिफरेंस राइट साइड वर्सेस लेफ्ट साइड? ओ माय गॉड यू गाइस, आई कैन नॉट बिलीव आई वोर लेंसेज आफ्टर डूइंग एन आई शैडो लुक एंड आई डिड नॉट रूइन इट. व्हाट What? I've become a pro in applying lenses now. I used to be terrified to apply lenses, but look at me now. So yeah guys, that's it for the look. बहुत ही ज़्यादा simple है. Maximum 20 minutes लगेगा करने के लिए. मैं बात करके film करके you know सब adjust करके कर रही थी, तो मुझे अभी 35 minutes हो गए ये shoot करते वक्त. You can do anything with this look because बहुत ही ज़्यादा neutral look है. तो ये Indian, Western, Indo-Western कोई भी outfit पे बहुत अच्छा लगेगा. तो I hope you enjoyed the video and if you did then make sure you like and subscribe to my channel and ring the notification bell. फिर से ईद मुबारक एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो.